खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों पर वन माफियाओं की लगी बुरी नजर। बाराबंकी जनपद के कोतवाली बदोसराय वन रेंज रामनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सहारी के मजरे महम्मदपुर HCC प्लांट के सामने जंगल में वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से एक बहुत ही पुराना पीपल का प्रतिबंधित हरा भरा पेड़ काट कर वन माफियाओं ने नष्ट कर दिया। मंदिर और चबूतरे का हवाला दिया जा रहा है, न तो वहाँ पर कोई मंदिर मौजूद है और न ही कोई चबूतरा। जहाँ एक तरफ सरकार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को लेकर सख्त है, उसके बावजूद वन माफियाओं का कहर जारी है। जब इसकी सूचना वन विभाग कर्मचारियों को दी गई तो वन विभाग कर्मचारियों द्वारा बताया गया काटे गए पीपल की लकड़ी मौके पर मौजूद है। जब वहां पर मीडिया कर्मियों ने जाकर देखा तो वहां पर सारी लकड़ी गायब कर दी गई थी, कोई भी लकड़ी मौके पर मौजूद नहीं थी। काटे गए पीपल का पेड़ का अवशेष ठूंठ सिर्फ मौजूद था। तो वही जानकारी के अनुसार बता दें कि पीपल का पेड़ पूजनीय भी माना जाता है। आए दिन लगातार वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, शासन और प्रशासन का जरा सा भी खौफ इन वन माफियाओं में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भी देखिए, थाना सफदरगंज वन रेंज रामनगर अंतर्गत ग्राम बंजरिया में हरा भरा विशाल काफी पुराना आम का देसी पेड़ बगैर परमिट के वन माफियाओं ने रात में काट कर नष्ट कर दिया। सूत्रों के अनुसार हरा भरा देसी आम का प्रतिबंधित पेड़ रोड की सीमा में है। जब इसकी सूचना वन विभाग कर्मचारियों को दी गई तो वन कर्मचारियों द्वारा किसान का हवाला दे दिया गया कि किसान ने कटवाया है। वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से आए दिन लगातार हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान हो रही है, और जब जिम्मेदार कर्मचारियों को सूचना दी जाती है तो जिम्मेदार कर्मचारी लीपापोती में लग जाते हैं। अब देखना यह है खबर प्रसारित होने के बाद इन प्रकरणों पर क्या कार्रवाई की जाती है। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट।